वो है अजूबा, झुकती है किस्मत जिसके सामने जी। नाम पता है उसका क्या है? आ मेरी जान, फरहाद सामजी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फरहाद सामजी नाम सुन के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। भैया प्रोड्यूसर के चेहरे पर क्या आती है ये भी पूछ लीजिए, और जनता के दिल में धक धक हो रहा है बाबा वो कैसा होता है वो भी पूछ लीजिए। लेकिन थोड़ा बाद में आएंगे उस पे, पहले जो काम की बात है, जो मतलब की बात है वो कर लेते हैं, उसके बाद फरहाद सामजी पर आएंगे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे नारायण रामचरण। रामचरण का आज जन्मदिन है, एंड जन्मदिन इस तरह से मनाया जाता है। यूजली जन्मदिन जब हमारे बॉलीवुड में होता है तो भैया ना कोई अनाउंसमेंट आती है ना कुछ होता है, बस ऐसे तालियां सीटियां बजा लीजिए, काम समाप्त कर लीजिए। वर साउथ की प्रथा रही है, चाहे वो संक्रांति हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या शुभ मुहूर्त हो या जन्मदिन हो, वहां पर जो स्टार रहता है उसकी अगली फिल्म भले वो 2 साल के बाद शूट करने वाला है, एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट, एक फोटो वोटो हो जाती है। यहाँ पर रामचरण की जन्मदिन पर एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई है। नाउ देयर गोना बी अ फेस पोस्ट ट्रिपल आर एंड प्री ट्रिपल आर। प्री ट्रिपल आर ऑब्वियसली रामचरण वो व्यक्ति थे जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो पैन इंडिया फिल्म जो अभी अभी आई है ना उससे बहुत पहले आ गए थे। आई स्टिल रिमेम्बर जंजीर जब आई थी यहाँ पर, यू नो हिंदी फिल्म्स में तब रामचरण आए थे अपनी प्रॉपर हिंदी फिल्म लेकर यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के साथ। तो ये बाहुबली से पहले रामचरण यहाँ पर बॉलीवुड में हिंदी फिल्म लेकर आ चुके थे। तो रामचरण बिफोर ट्रिपल आर यहाँ पर उनकी कोई फिल्म ऑब्वियसली नहीं चली थी, एंड आफ्टर ट्रिपल आर रामचरण इज अ ह्यूज प्रॉपर्टी राइट नाउ। ट्रिपल आर के सक्सेस के बाद स्पेशली आफ्टर द ऑस्कर्स, नाउ रामचरण की अगली जो फिल्म होगी पैन इंडिया फिल्म उसको लेकर बहुत सारा उत्साह है। मैंने आपको कल ही एपिसोड में बताया था किस तरह से जो अगले यानी संक्रांति 2024 है जनवरी, उसकी तीसरे दावेदार है शंकर एंड रामचरण एंड कियारा आडवाणी की फिल्म RC-15। उम्मीद की जा रही थी कि जब इसका पोस्टर आए एंड फर्स्ट लुक आए तब उसकी रिलीज डेट आए, लेकिन अब तक उन्होंने रिलीज डेट यहाँ पर नहीं दिया है। तो लेट्स सी उसका रिलीज डेट क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं RC-15 के बारे में। देख गाइस, शंकर की जितनी भी फिल्में रही है वो या तो फिर गवर्नमेंट के जो खराब चीजें उनके खिलाफ रही है, या फिर हिंदुस्तानी ले लो कमल हसन की वो वाली ले लो, या फिर इन्वेंशन रोबो ले लो, अलग अलग तरीके की फिल्में, चाहे वो आई फिल्म हो, हमेशा शंकर की फिल्में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करती है एंड हमेशा उनकी फिल्मों में कुछ नया देखने मिल रहा है। इस बार वो काफी एक यंग फिल्म कह सकता हूँ, काफी फ्रेश फिल्म जो कि ऑन द फेस दिखाई दे रही है, लेकिन डीप विद इन द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म हैज मल्टीपल लेयर्स, एंड इसमें है नरेंद्र रामचरण। आज सुबह ही टाइटल अनाउंसमेंट के दौरान एक छोटा सा टीजर रिलीज किया जहां पर हम लोग कैशियो खेलने जाते हैं ना भाई, इधर आइए भाई, इधर आइए आप कैशियो खाइए भाई, दिमाग की आपको जरूरत है। कैसीनो जो रहता है यहाँ पर आप पिक्चर में देखते हैं अपन कसिनो, वो जो टकर गोटी रहती है घूमती है, उसके अंदर से यहाँ पर एक ऑब्वियसली एक पार्लियामेंट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। सब लोग पार्लियामेंट में किस तरह से बैठते हैं वो दिखाया जाता है, एक चेस का राजा निकलता है, किस तरह से वो राजा पार्लियामेंट से लेकर प्रजा तक जाता है वो कुछ एक नरेशन दिखाया है यहाँ पर एनिमेशन द्वारा उसके अनाउंसमेंट में। वहां पर सुबह अनाउंस किया गया कि रामचरण की अगली फिल्म होने वाली है गेम चेंजर। फिर अगला जो मुहूर्त था दोपहर का, वहां पर रामचरण का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है, देख सकते हो गाइस, मैंने कहा ना काफी फ्रेश, काफी अनलाइक शंकर फिल्म जो कहूंगा, जो काफी सोफिस्टिकेटेड रहती है, चाहे वो उनकी रोबो हो या फिर उसके बाद तुम्हारा एंदिरन हो या फिर उसके बाद आई हो, दिस लुक्स वेरी सिंपल एंड वेरी रियलिस्टिक। तो लेट्स सी गाइस किस तरह से फिल्म होती है। यहाँ पर रामचरण के यहाँ पे एक फ्लफ हेयर स्टाइल दिया गया, यहाँ पर गॉगल शेड्स पहने हुए काफी यंग लग रहे हैं, एंड बाइक पे बैठे हुए हैं, शंकर्स गेम चेंजर यहाँ पे लिखा गया है। चरण ने लिखा है आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर बर्थडे गिफ्ट, गेम चेंजर शंकर। तो गाइस अब धक्का जो लगने वाला है अब लगने वाला, ध्यान से सुनो, डायरेक्टर शंकर है, रामचरण है, कियारा आडवाणी है, सामोती रकानी है जो कि आजकल काफी ज्यादा विलन के रोल कर रहे हैं, एसजे सूर्या है, काफी सॉलिड किरदार है वो, सुनील है। अब मजा देखो, इसके राइटर्स है SU वेंकटेशन, एंड नंबर 2 जुड़वा ऑन द रॉक्स मैन, किस्मत ऑन द डॉक्स मैन। भाई कसम से बोल रहा हूं ना, जितने भी लोग अपना नाम किस्मत रखना चाहते हैं ना, अपना नाम फरहाद सामजी रखो, किस्मत कुछ नहीं है जी। जब आपका नाम है फरहाद सामजी, फरहाद सामजी क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है पता नहीं। आई मीन आजकल मुझको फरहाद सामजी से यहाँ पर जलन होने लग गई है, सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम गेटिंग इनसिक्योर ऑफ फरहाद सामजी।
द कैलिबर ऑफ टैलेंट ही है, किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान हीरा फेरी 4 एंड अब शंकर की पिक्चर में रामचरण की राइटिंग, हिंदी जो राइटिंग है वो फरहाद सामजी कर रहे हैं। वाओ मैन, सामजी साहब भैया क्या कह सकते हैं भैया। तो गाइस यहाँ पे स्टोरी लाइन जो कार्तिक सुब्बराज की है, जिसे जिगर तंडा बनाया था, रजनी जी के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़ा यहाँ पर डायरेक्टर है, पेट्टा का डायरेक्टर है कार्तिक सुब्बराज, काफी भैया क्यूट लगते हैं वो। हाँ म्यूजिक थमन का है, यहाँ पर डायलॉग माधव बुर्रा, फाड़ डायलॉग होने वाले है, एक्शन अनु अरिफ का, कोरियोग्राफर तो हमारे इंडस्ट्री से ले गए भाई, अरे प्रभु देवा आपकी इंडस्ट्री के भूल गए भाई, प्रभु देवा, गणेश आचार्य, प्रेम रक्षित ऑस्कर विनर, बॉस्को मार्टिन, बॉस्को माटिया लिख दिए भाई, मार्टिन नाम है उसका, तो बॉस्को मार्टिन है, जानी आई थिंक जानी मास्टर एंड सैंडी, ये सारे हैं यहाँ पर। तो ये काफी बड़ी फिल्म लग रही है गाइस, RC-15 इट इज अ पैन इंडिया फिल्म, अभी लोगों ने बोला नहीं है लेकिन डेफिनेटली दिस विल बी अ पैन इंडिया फिल्म। एंड गाइस जो दूसरी फिल्म है रामचरण की, इसकी अनाउंसमेंट की है, अब ये कैरेक्टर भी काफी मशहूर है, एक जमाने में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी इन महाशय ने, जब इन्होंने मीडिया में आके एक स्टेटमेंट दे दिया था कि 1 पुष्पा = 10 kgf। एंड याद आया बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था, ऐसे स्टेटमेंट दिया करता था बुच्ची बाबू सना। बुच्ची बाबू एंट्रा एंटी बुच्ची बाबू सना, जो कि उपेना का डायरेक्टर थे, फैबुलस फिल्म मैन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सुकुमार जी के साथ पुष्पा में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पर रामचरण इज बिस्टोइंग ऑल हिज फेथ विद बुच्ची बाबू सना, एंड यहाँ पर सिर्फ बुच्ची बाबू सना ही नहीं बल्कि मैत्री मूवी मेकर्स एंड साथ में सुकुमार भी, सुकुमार राइटिंग ऑब्वियसली। रामचरण की अगली फिल्म जो है RC-16, उसका भी एक पोस्टर जो रिलीज किया गया, एक पेंटिंग बनाई हुई है, रामचरण का चेहरा दिख रहा है, तो रामचरण, सुकुमार, मैत्री, बुच्ची बाबू सना, ये भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जो कि RC-16 होगी। सो गाइस रामचरण इज सेट विथ 2 पैन इंडिया फिल्म, भैया लाइए भाई पैन इंडिया फिल्म, खाली सूखा चल रहा है भाई। तो गाइस रामचरण, RC-15 विद शंकर, ह्यूज फिल्म, मैसिव। हिंदी डायलॉग पसंद नहीं आए तो फरहाद सामजी पे पूरा टोकरी तोड़ना जाकर, एंड उसके बाद RC-16 जो है बुच्ची बाबू सना की फिल्म है, बुच्ची बाबू इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसकी राइटिंग काफी अच्छी रहती है एंड फिल्म मेकिंग के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, तो उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। ओके गाइस अगेन हैप्पी बर्थडे भैया रामचरण, ओके आशा करते हैं आपका ये साल अच्छा रहे एंड इसी तरह से आप भाई पैन इंडिया फिल्म अनाउंस करते रहे। ओके गाइस सो मच, एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, कितने एक्साइटेड है इन दोनों फिल्मों को लेकर, फरहाद सामजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल।